तो दोस्तों शाम के बज गए 7 और मेरा पिकअप का टाइम हो गया है। फिलहाल मैं अभी हूँ अपने पिकअप पॉइंट पर, कैब आने में अभी 2-4 मिनट बाकी है। तो जो वीडियो का मैंने टाइटल रखा है ना, उसके बारे में हम एक बार कैब में बैठ जाएं फिर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, मुझे पसीने आ रहे हैं और शोर भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। गुड इवनिंग गाइज, कैसे हो आप लोग भाई, वेलकम बैक इन माई अनदर ब्लॉग। तो अभी आप इससे पहले आपने देखा था कि मैं अपने पिकअप पॉइंट पर था, तो पिकअप मेरा हो गया है और अभी बजे शाम के 7। तो जो वीडियो का मैंने टाइटल दिया था ना, उसी के बारे में मुझे बात करनी है कि कैसे हम अपनी 8 घंटे की जॉब के लिए 4 घंटे ट्रैवल करते हैं। तो फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो ऑफिस है ना, वो है गुड़गांव के सेक्टर 15 में, और मेरे घर से ऑफिस की डिस्टेंस जो है वो लगभग 45 किलोमीटर दूर है। वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए कैब से अगर मैं बात करूँ तो, लेकिन मुझे यही चीज़ आप लोगों को दिखानी है कि रास्ते में कितना ट्रैफिक होता है, कितनी मतलब कंडीशंस ख़राब है अभी ट्रैफिक की, दिल्ली के ट्रैफिक की। तो ये सारी चीज़ों के बाद ट्रैफिक और शोर शराबा होने के बाद जब हम ऑफिस पहुँचते हैं तो हमारा काम करने का तो मन नहीं करता, लेकिन हाँ हमें आराम करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो फ्रेंड्स अपने रूट की बात कर लेते हैं। तो जो 45 किलोमीटर की डिस्टेंस वाला जो रूट है ना हमारा, उसमें 2-3 लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें टाइम लगता है। यूजुअली अगर बात करें, अगर ट्रैफिक ना हो तो 1 घंटा 20 मिनट, लेकिन ट्रैफिक रहता है तो 2-2 घंटे लग जाते हैं, और कभी कभी तो 3 घंटे भी लग जाते हैं। एक बार मेरे साथ हुआ था, जनवरी का मंथ था, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था, और पंजाबी बाग अभी फिलहाल दिल्ली की ऐसी लोकेशन है जहाँ पर ट्रैफिक मिलता ही मिलता है। वो क्यों मिलता है वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। तो सबसे अच्छी बात आज ये रही कि वैसे तो हम लोग 6 लोग आते हैं अपने ऑफिस के लिए घर से, आज हम बस केवल 3 लोग हैं। अब दिक्कत तब होती है जब वो 6 लोगों का पिकअप जो है वो अलग अलग लोकेशन से होता है। तो आज इतना टाइम नहीं लगा, 10 से 15 मिनट में हम 3 लोगों का पिकअप हो गया। तो मेरे साथ 3 लोग कौन है, चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मेरे जो ग्रुप पैसेंजर वो है, मैं नाम भूल गया, तो मेरे साथ जो मेरी को पैसेंजर है वो है रमन, और जो पीछे अभी सो रही है अमीषा, उसको बड़ी नींद आती है, ठीक है। हमारे साथ जो हमें ऑफिस लेके जा रहे हैं वो है हमारे भाई, ये अभी गाड़ी चलाने बिजी है, विजय नाम है इनका, और ये है गार्ड साहब। गार्ड साहब इसलिए है क्योंकि 7 बजे के बाद ये ऑफिस की पॉलिसी है कि कोई भी फीमेल एम्प्लॉय जो पहले बोर्ड नहीं करेगी। तो रमन का पहले पिकअप था तो इसलिए ऑफिस से गार्ड साथ आए, ताकि मतलब जो पॉलिसी है वो उसको फॉलो किया जा सके। तो फ्रेंड्स अपने इस रूट पे जो लगभग 45 किलोमीटर का है, तो जो पहला जो पॉइंट आता है जिसमें सबसे ज्यादा ट्रैफिक मिलता है वो है पंजाबी बाग। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि पंजाबी बाग पर इतना ट्रैफिक क्यों होता है कि फिलहाल अभी पिछले साल से पंजाबी बाग वाला जो फ्लाईओवर है वो टूट के दोबारा बन रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। तो अभी अपनी जो कैब है वो पंजाबी बाग एरिया में पहुँच चुकी है, आगे कितना ट्रैफिक है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो टाइम हो गया है 7:25, और जो गाड़ी अभी कैब जो हमारी है वो है पंजाबी बाग में। तो आप देख ही रहे होंगे कि ट्रैफिक का क्या हाल है। तो अभी देखते हैं कि यहाँ से निकलने में हमें कितना टाइम लगे, चारों तरफ ट्रैफिक ही है। बट हाँ, रोड के जो उस साइड है वो अभी नॉर्मल है, उसका जो ट्रैफिक है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, लेकिन यहाँ पे इस साइड जाते हुए रजौरी गार्डन की तरफ जाते हुए काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। तो जब एक बार जब ये पंजाबी बाग क्रॉस हो जाएगा ना, फिर उसके बाद में आएगा अपना रजौरी गार्डन। तो वैसे तो ये जो ट्रैफिक है वो रजौरी गार्डन के फ्लाईओवर, जो राजधानी कॉलेज है जहाँ से जो फ्लाईओवर स्टार्ट होता है, वहाँ तक चलता ही रहता है। तो इसको क्रॉस करने में 20 से 25 मिनट बड़े आराम से लग जाते हैं। अभी मैंने आप लोगों को टाइम दिखाया था, 7:25 हो रहे थे। अब इसको देखते हैं कि जो पंजाबी बाग एरिया ये कितनी देर में यहाँ से क्रॉस होता है। तो इसके बाद राजौरी, और राजौरी के बाद फिर आता है मायापुरी। मायापुरी फ्लाईओवर पर भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक रहता है, लेकिन फिर उसके बाद जो आता है धौलाकुआ पर भी ट्रैफिक रहता है। धौलाकुआ पहुँचने के बाद फिर हम आपको एक बार दिखाएंगे कि वहाँ पर ट्रैफिक की क्या स्थिति है। आप लोग सोच रहे होंगे 7:30 मैं ये कौन सा ऑफिस जा रहा हूँ, तो भाई अभी फिलहाल हम लोगों की चल रही है नाइट शिफ्ट, जो कि रात को 9:30 से स्टार्ट होती है और सुबह 6:30 तक ख़त्म होती है। तो फिलहाल आज सबसे अच्छी जो बात हुई है हमारे साथ वो हुई है कि हम इस कैब में 6 एम्प्लॉयज़ आते हैं। आज 3 एम्प्लॉयज़ छुट्टी पर हैं, तो हम केवल 3 ही एम्प्लॉयज़ आए हैं। तो अभी फिलहाल गाड़ी है पंजाबी बाग में, पंजाबी बाग ही क्रॉस करने में हमें आराम से लग जाएंगे भाई, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जब पंजाबी बाग क्रॉस हो जाएगा फिर उसके बाद आगे की बातें, आगे पहुंचने की बात करें। तो लगभग 15 मिनट के बाद पंजाबी बाग तो क्रॉस हो गया, ठीक है। फिर भी यहाँ पे आज थोड़ा कम टाइम लगा, ट्रैफिक कम था, वरना 20 मिनट और उससे ज़्यादा बड़े आराम से लग जाते हैं। तो
पंजाबी बाग क्रॉस होने के बाद आ जाता है रजौरी गार्डन। रजौरी गार्डन के बाद में, रजौरी गार्डन पे तो इतना नहीं मिलता, लेकिन रजौरी गार्डन क्रॉस होने के बाद में मायापुरी, मायापुरी के बाद नारायणा फ्लाई ओवर, वहाँ पे भी रहता है। फिर उसके बाद में आता है धौलाकुआ, धौलाकुआ पर तो होता ही होता है। तो ये जो रूट है ना, वो अपना जो आज़ादपुर से लेके अपने ऑफिस तक है, यानी कि एक रिंग रोड से ही होते हुए जाता है, तो काफ़ी मतलब सही रूट है वैसे तो। अगर रोड कंडीशन की बात हो, रोड कंडीशन भी बहुत अच्छी है, और अगर ट्रैफिक ना हो तो ये रूट सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती। प्रॉब्लम्स का मतलब ये है कि इस रूट पर एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है, अगर हम सारे फ्लाईओवर से फ्लाईओवर के ऊपर से होते हुए जाएं। बस एक जो ट्रैफिक लाइट आती है इस रूट पे पूरे पे, वो नारायणा के पास आती है। तो अभी फिलहाल हम पहुंच गए रजौरी गार्डन में। ये रजौरी गार्डन की मार्बल मार्केट है, आप लोग देख रहे होंगे अभी। तो फिलहाल ये रजौरी गार्डन का फ्लाईओवर ही है, इसे क्रॉस करने के बाद आएगी मार्बल मार्केट और फिर उसके बाद में नारायणा। अभी नारायणा फ्लाईओवर ये आ गया दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन। फिलहाल अपनी कैब पहुंच गया धौलाकुआ और गुड़गांव के लिए हमें लेफ्ट लेना है। ये गुड़गांव का साइन बोर्ड लगा हुआ है, और अगर हम सीधे चले जाते तो हम पहुंच जाएंगे आश्रम चौक और लाजपत नगर। ये है दिल्ली की धौलाकुआ लोकेशन, और आज अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। मेरे जो लेफ्ट साइड में आप लोग देख रहे हो, वो है एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का धौलाकुआ मेट्रो स्टेशन। ये दिल्ली का काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी वाला एरिया है, क्योंकि रोड के लेफ्ट साइड और रोड के राइट साइड दोनों साइड में आर्मी पर्सनल रहते हैं, और यहाँ पे आर्मी के काफ़ी ज़्यादा मतलब बात करें हेडक्वार्टर्स भी हैं। अगर आगे आप लोगों को दिखाऊंगा, आगे एयरफोर्स का हेडक्वार्टर भी है और नेवी का भी है, और पीछे था एक आर्मी हॉस्पिटल जो कि निकल गया। यहाँ से लेफ्ट साइड में है शंकर विहार, और शंकर विहार के बारे में मैं आप लोगों को एक फैक्ट बताता हूँ। शंकर विहार जो मेट्रो स्टेशन है, वो दिल्ली मेट्रो का इकलौता ऐसा स्टेशन है जहाँ से बाहर निकलने के लिए आपको एक आईडी कार्ड की ज़रूरत होती है, चाहे फिर वो वोटर आईडी कार्ड हो या कोई भी गवर्नमेंट आईडी हो। बिना उसके आप शंकर विहार मेट्रो स्टेशन से बाहर नहीं निकल सकते। अगर किसी भी शहर में आपको एक साथ एक ही जगह पर इतने सारे होटल्स मिल जाएं, तो समझ लेना कि पास में या तो कोई बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट है। यह है दिल्ली का महिपालपुर एरिया, और यहाँ से आईजीआई एयरपोर्ट ज़्यादा दूर नहीं है। रजौरी क्रॉस कर लिया, पंजाबी बाग क्रॉस कर लिया, नारायणा, धौलाकुआ, महिपालपुर भी क्रॉस कर लिया। तो अभी महिपालपुर से थोड़ा सा आगे हम, ठीक है, जगह का नाम शायद मुझे पता नहीं है, और अभी यहाँ पे भी थोड़ा बहुत हमें ट्रैफिक मिलेगा। उस ट्रैफिक का रीज़न ये है कि अभी पिछले 7-8 महीने से एक नया फ्लाईओवर जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि द्वारका से होते हुए जाता है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे जो हाईवे है, जो रोड है, उसको काफ़ी ज़्यादा नैरो कर दिया गया है। ट्रैफिक लगने का वही मेन रीज़न है। तो आ चुके हैं हम अपने उस वाले एरिया में जहाँ पे से ट्रैफिक स्टार्ट होता है। तो जब ये ट्रैफिक हमारा एक बार वो क्रॉस हो जाएगा ना, फिर उसके बाद में आएगा टोल, गुड़गांव टोल, और मुझे लगता है फिर उसके बाद में हमें ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए। तो ये सामने जिस फ्लाईओवर की मैं बात कर रहा था, वो ये है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, द्वारका से होते हुए आ रहा है, और ट्रैफिक की कंडीशन आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ भी थोड़ा सा ट्रैफिक है, मतलब थोड़ा भी नहीं है, इतना कम भी नहीं है, इतना ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। इसमें भी अभी कम से कम 10 मिनट तो लग ही जाएंगे इसको क्रॉस करने में। कर रहा था ये आ रहा है द्वारका से, और ये आगे जाके इसी हाईवे में मिल जाएगा। तो इसी की वजह से यही मेन रीज़न, यही फ्लाईओवर जो है वो मेन रीज़न है कि यहाँ पर ट्रैफिक लगता है, वरना इस रोड की कंडीशन जो थी वो इतनी अच्छी थी कि यहाँ पर ट्रैफिक लगने का कोई भी काम नहीं था, क्योंकि ये जो रोड है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, ऑलमोस्ट 3 या 4 लेन का है ये। और इस ट्रैफिक के बाद में है अपना गुड़गांव टोल, और फिर उसके बाद अली हम लोग गुड़गांव में एंटर कर जाएंगे। तो
गांव टोल क्रॉस करने के बाद आप लोगों का स्वागत करता है ये लीला होटल और एम्बियंस मॉल। और इस मॉल से थोड़ा सा आगे आने पर ये डीएलएफ के दो नए टावर्स हैं जो कि अभी बनकर तैयार हुए हैं। मेरे राइट साइड में है उद्योग विहार एरिया और लेफ्ट साइड में आप लोग देख ही रहे होंगे गुड़गांव की एक फेमस बिल्डिंग जो कि दुबई के बुर्ज अल अरब होटल की तरह दिखती है, बस फर्क इसमें हाइट का है। यह है गुड़गांव रैपिड मेट्रो का साइबर सिटी मेट्रो स्टेशन जो कि पूरी साइबर सिटी को कवर करता है। मैं हूं अभी शंकर चौक फ्लाईओवर के ऊपर और मेरे लेफ्ट साइड में है गुड़गांव की सबसे प्रीमियम लोकेशन, जी हां डीएलएफ साइबर सिटी, जहां पर है आईटी सेक्टर की बड़ी बड़ी एमएनसीज। तो भाई लगभग 1.5 घंटा हो गया और फाइनली हम अपने ऑफिस पहुंचने वाले हैं। अब बस यहां से 5 या 10 मिनट का रास्ता है ऑफिस तक पहुंचने का। तो ये जो मेरा ट्रैवल है, ये जो मेरा सफ़र है, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। ऐसे ही टाइम लगता है डेली का, ये तो वन साइड हो गया, जब ऑफिस से आते हैं वापस तो तब भी हमें इतना ही टाइम लगता है। तो ये मेरा वीडियो का जो टाइटल था, ये इसलिए मैंने काफ़ी सोच समझ के रखा था कि कैसे हम 8 घंटे की जॉब के लिए 4 घंटे ट्रैवल करते हैं। मैं अकेला ही नहीं हूँ यार, बहुत लोग ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। तो फिलहाल तो यार हमारी जो है वो कैब है, कैब से हम आते हैं, लेकिन यार उन लोगों का ना हेड्स ऑफ है सलाम है यार जो डीटीसी की बस में ट्रैवल करते हैं, अपने काम पर जाते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं। और बसेज ऐसी होती हैं, कुछ तो एसी वाली होती है, कुछ नॉन एसी होती हैं, तो इतनी गर्मी के टाइम में वो लोग यार अपने काम जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा भाई मतलब कह सकते हैं यार काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ काबिल काम है यार जो एसी, बिना एसी वाली बस में ट्रैवल करते हैं, घंटों ट्रैवल करते हैं और वो भी इतने ट्रैफिक से होते हुए जाते हैं। तो यार ये वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो लोग मेरी तरह गुड़गांव से, दिल्ली से गुड़गांव अपने ऑफिस जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, या फिर दिल्ली से नोएडा जाते हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। चलिए मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।